लाइट ही ढिले थी जी। बिहार में सरकार बदल गई है लेकिन अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा है, लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। सरकार जब से बदली है अपराध और ज्यादा बढ़ गया, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जंगल राज ही नहीं है, डबल जंगल राज आज की तारीख में चल रहा है। अपराध की परिकाष्ठाओं में से एक है कल रात वाली घटना, बेगूसराय की घटना। ऐसी घटनाएं आज की तारीख में बिहार में घटित हो रही हैं जिसको कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दो बाइक सवार बेखौफ तरीके से बंदूक लहराते हुए धनाधन गोलियां बरसाते हुए आम आदमियों के ऊपर, आम बिहारियों के ऊपर गोली की बौछार करेंगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हॉस्टल जहाँ पे जो अपने पठन पाठन में व्यस्त रहते हैं उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आकर इस तरीके से गोली चला दे। और इन सब के बीच कहाँ है प्रशासन तंत्र? मेरे मुख्यमंत्री के पास फुर्सत बहुत है दिल्ली दरबार में जाकर हाजिरी लगाने की प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक समय एक बार जाकर कम से कम जिन निर्दोषों के ऊपर गोलियां इस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराधी चलाकर जाते हैं उनसे जाकर कम से कम मुलाकात करें या हालचाल उनका पूछें। और इतने दिनों में कानून व्यवस्था बेहतर हो इसके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया भाई? इसीलिए हम लोग बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभलता तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करूंगा, कल रात जिस तरीके से हॉस्टल में ये घटना घटी है, मैं महामहिम राज्यपाल से आग्रह करूंगा कि इन घटनाओं का संज्ञान वो स्वयं लें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करें। जो अराजक माहौल बिहार में बन गया है, बिहार के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनसे अब संभव नहीं है बिहार संभलना, तो ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प बच गया है अगर बिहारियों को सुरक्षित रखना है। प्रदेश में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार, कैसे देख रहे हैं? अरे प्रभु, लड़े जहाँ से उनको चुनाव लड़ना है, पर जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री पद वो संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, या से प्रधानमंत्री पद की लालसा में बिहार में दिखा देश में दिखेगा, यही अपराध दिखेगा ना। देश को क्या करना चाहते हैं ये? अपराध का गढ़ बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा देश को बना देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मुख्यमंत्री भाई? आपको उत्तर प्रदेश आके चुनाव लड़ना है, पता है कि भैया बिहार से लड़ेंगे जीतेंगे नहीं? जब इनके विधायक बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो ये स्वयं लोकसभा का चुनाव बिहार से जीतेंगे? ये संभव नहीं है। अब इसके लिए ये जाकर लड़े उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, जहाँ से जाकर इनको चुनाव लड़ना लड़े, पर जब तक मुख्यमंत्री हैं बिहार पे ध्यान दें, और अगर नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें।